माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी ने, जिन्हें हम आदर से प्रणब दाबी के नाम से संबोधित करते हैं, देश में वर्तमान युग के महानतम राजनेताओं में से एक थे। मात्र 24 वर्ष की अवस्था में उच्च सदन के सदस्य बने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की मूल भावना के उपासक थे। मुझे सभा को अपने साथी श्री एच बसंत कुमार और विख्यात गायक पंडित जसराज तथा 13 पूर्व संसद सदस्यों की दुखद मृत्यु के बारे में भी सूचित करना है। श्री अजीत जोगी 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के रायगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 14वीं लोकसभा में छत्तीसगढ़ के महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री अजीत जोगी 2 कार्यकाल के लिए राज्यसभा के सदस्य रहे। श्री लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन थे तथा 15वीं लोकसभा के सदस्य भी थे। वह प्राकलन समिति, रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह 1970 से 1990 तक 4 कार्यकाल के लिए बिहार विधानसभा के तथा 1991 से 1995 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। उन्होंने बिहार विधान परिषद के सभापति के रूप में तथा बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। वो बिहार सरकार में विद्युत और ऊर्जा, राहत और पुनर्वास तथा राजभाषा विभाग के मंत्री रहे। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन 13 सितंबर 2020 को नई दिल्ली में 74 वर्ष की आयु में हुआ।